नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के ड्राइवर और अपर अभियंता का 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एडीए वीसी मनमोहन चौधरी ने चालक व अपर अभियंता को तत्काल पद से हटा दिया है और दोनों लोगों के खिलाफ विभागीय जाँच के लिए टीम गठित कर दी है। वही इस मामले में उपाध्यक्ष मनमोहन चौधरी ने विभाग के सीनियर पीसीएस और ओएसडी से मामले की जांच कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। अभियंता से संपूर्ण काम हटा लिया गया है, कार्य से विरत कर दिया गया है और ड्राइवर को हटा करके कार्यालय अटैच कर दिया गया है। किस चीज का पैसा लिया जा रहा था? अब इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये ड्राइवर और क्या कहते हैं अवर अभियंता के कुछ लेन देन का प्रकरण है। अवर अभियंता कौन है ये सर? ये मिस्टर दूधनाथ हैं। जो ड्राइवर है उनके पास 1.5 लाख रुपया आया कहाँ से आखिर? अब ये इसी प्रकरण की हम जांच कर रहे हैं कि ड्राइवर के पास 1.5 लाख कहाँ से आया था। उसने इसकी जाँच करा के तभी हम इसके बारे में कुछ वर्जन दे पाएंगे। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें टॉप 10 में शामिल एक अपराधी गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने बताया कि पकड़े गए अपराधी के खिलाफ करीब 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मेनगर का टॉप 10 बदमाश है, 25,000 का इनामी भी है। उससे पुलिस मुठभेड़ हुई, बदमाश इसमें राजमंगल घायल हुआ है। उसके पास से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जो कि बिना नंबर की है वो बरामद हुई है। एक 9mm पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। ये बहुत ही शातिर बदमाश है, जिस पर लगभग 1.5 दर्जन के लगभग लूट और अन्य संगीन धाराओं के मुकदमे पंजीकृत हैं। घायल अभियुक्त को अस्पताल भेजा गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा के नगर कोतवाली इलाके में घनी आबादी में मानकों को ताक पर रखकर जिले के व्यापारी कारखाना संचालित कर रहे हैं, जिसके चलते कारखाने में 3 मजदूर बॉयलर फटने से आग में झुलस गए। हादसे में 1 मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उनकी हालत गंभीर बनी। फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र में एक लापता युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक के सिर पर चोट के निशान है, जिससे युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। छोटा भाई जिसकी उम्र 42 वर्ष है, अवनीश तिवारी, वह अविवाहित था। कल शाम को घर से निकला था और शराब एवं गांजा पीने का आदि था। उसका शव पास गांव के पास में ही खेत में मिला है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा पंचायत नंबर के पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया, विधिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी में डीएम आंध्रा वामसी ने मोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने COVID-19 से जुड़े मुद्दों पर जाँच की। डीएम ने कहा कि शासन की ओर से एक जियो पास कर दिया गया है, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी तंत्र में कार्य करना चाहता है तो वो लोग स्वयं हाजिर हो जाएं, जिन्हें नियुक्त कर दिया जाएगा। कानपुर के घंटाघर में रेल बाजार थाना क्षेत्र में बने होटल में पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने धड़ल्ले से चल रहे सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 16 कपल को होटल के अंदर से पकड़ा है, जिन्हें थाने ले जाकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इसमें कई ऐसे कपल आ रहे हैं जो बिना आईडी के होटल में रुक रहे हैं और होटल के जो मालिक हैं वो बिना रजिस्टर में इंदराज किए हुए ऐसे कपल्स को अपने होटल में रुका रहे हैं। इसी सूचना पर थाना रेल बाज़ार की पुलिस होटल पे पहुंची, वहां पे उनके रजिस्टर्स को चेक किया। रजिस्टर्स में कोई इंदराज नहीं था। उनके पास एक कच्चा पेपर पर उन्होंने कुछ 13 कपल्स के नाम लिख रखे थे, उसमें उनके रूम नंबर और उनके कितना अमाउंट है वो मेंशन था, लेकिन कोई भी उसका इंदराज उनके पक्के रजिस्टर में नहीं था। उनकी आईडी भी मांगी गई, कोई आईडी वो प्रदान नहीं कर पाए। कोई भी आईडी की कॉपी ना तो अपने पास रखे थे ना ओरिजिनल रखे। लखनऊ में कांग्रेस ने अपने पुरानी मुहिम के साथ इस साल भी राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतियोगिता में लगभग 5 लाख लोगों ने पिछले साल हिस्सा लिया था। इस साल भी 2 लाख से ऊपर लोग प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं।
बता दें कि ये प्रतियोगिता 13 व 14 सितंबर को ऑनलाइन होगी, जिसमें भारत से जुड़े विकास कार्यों के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। इस प्रतियोगिता में पहले नंबर पर इनाम लैपटॉप, दूसरे नंबर पर मोबाइल और तीसरे नंबर पर टैब है। मथुरा में मूसलाधार बारिश में अग्निशमन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके 20 लोगों की जान बचाई है, जिसकी सराहना सोशल मीडिया व घटनास्थल पर मौजूद आम जनमानस द्वारा की जा रही है। इस समर्पण कार्य के लिए विधायक गोवर्धन ठाकुर कारिंदा सिंह ने अग्निमिशन विभाग की टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर चीफ फायर ऑफिसर प्रमोद शर्मा और उनकी टीम मौजूद रही। और इसी प्रकार के जो मोटिवेशंस जो होते हैं, उसी से टीम के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है तथा दूसरे लोगों को भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है। मैं एक बार और विधायक महोदय का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और मैं उनको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी टीम आगे भी इसी प्रकार से अच्छे कार्यों को अंजाम देती रहेगी। उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने लखनऊ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ आम आदमी पार्टी के छात्र विंग सभा के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन सौंपा। वहीं पुलिस कस्टडी में दलित युवक की हुई मौत को लेकर भी एससी विंग ने जीपीओ पर प्रदर्शन किया। संभल में घनी आबादी के बीच जानवरों की हड्डियां इकट्ठा की जाती हैं, जिसके बाद उन्हें लोहे के ड्रम में भरकर आग में पकाया जाता है, जिसकी दुर्गंध से वहां के लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। इस बात की शिकायत पीड़ित सराय तरीन ने हयात नगर थाने में की। पीड़ित का कहना है कि इन हड्डियों को पकाने के दौरान वायु प्रदूषित होती है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। वहीं इसकी गंदगी से लोगों को त्वचा रोग भी हो रहा है।